हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुख्यमंत्री कमलनाथ शायद वहां पहुंच चुके हैं। ज्ञानेंद्र अपडेट। शोभना ये देखिए ये जो गाड़ी है ये कमलनाथ की है और कमलनाथ लौट के कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वो बात करेंगे। और अभी कमलनाथ मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है वो राजभवन के अंदर ये काफिला अंदर प्रवेश करता हुआ, और जब उन्होंने उनसे इशारा किया गया रुकने के लिए तो उन्होंने मीडिया से ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हम लौट के बात करेंगे, मतलब वापस आके बात करेंगे। तो जो बहुत देर से कयास लगाया जा रहा था कि आखिर कमलनाथ क्यों नहीं पहुंच रहे थे राजभवन, तो ये काफिला देखिए, आप कैमरे की नजर से देखिए, काफिला अभी भी निकल रहा है और मुख्यमंत्री कमलनाथ अब जो है राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये गेट जो है बंद हो चुका है। तो पिछले 45 मिनट के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मार्मिक अपील की, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मूल्यों की राजनीति की है। और अब सारी गाड़ी मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो पूरा काफिला है वो पूरा काफिला देखिए राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुका है और यहाँ वो मिलकर राज्यपाल से इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। और यहां से जब निकलेंगे तो कमलनाथ ने इशारा किया है कि जब वो वापस आएंगे तो वो बात करेंगे, मतलब यहां जब लौटेंगे इस्तीफा देकर वो, तो उसके बाद मीडिया से वो बात कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी जब जा रही थी तो हमने उन्हें इशारा किया, गाड़ी रोकने की बात कही तो उन्होंने कहा मैं वापस आता हूं। तो वो लौट के आएंगे तो बताएंगे कि अंदर क्या बात हुई, इस्तीफा दिया और आगे की रणनीति क्या है। फिलहाल आज कमलनाथ ने जब मुख्यमंत्री निवास में तमाम विधायकों के बीच में इस्तीफा देने की बात कही तो वहां पे माहौल जो था वो पूरा एकदम से, जो कार्यकर्ता थे वो दुखी हो गए। और फिर जब कमलनाथ निकले वहां से, पहले सीएम हाउस के लिए और फिर उसके बाद यहां राजभवन के लिए, तो उनके गाड़ियों के सामने जय जय कमलनाथ के नारे लगाकर जो कार्यकर्ता थे, जो उनके समर्थक थे, वो गाड़ियों के सामने आ गए एकदम। और अब कमलनाथ, फिलहाल इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री जो है वो राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहां इस्तीफा देने के बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। जी शोभना। ज्ञानेंद्र, अब कमलनाथ अंदर चले गए हैं राजभवन में और वहां वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। क्या राजभवन के बाहर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, कुछ नेता आप देख पा रहे हैं या सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री गए हैं अंदर और विधायक जो हैं वो अभी वहीं पर मुख्यमंत्री निवास पर ही उनका इंतजार करेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने शोभना बहुत सही सवाल किया, क्योंकि इसके पहले जब भी कांग्रेस एमएलए की बस आती थी राज्यपाल या राजभवन के अंदर, या तो मुख्यमंत्री कमलनाथ आते थे, तो ऐसा होता नहीं था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। लेकिन जब ये राजनीति लड़ाई मध्य प्रदेश की सड़क पर आ गई तो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते थे, नारेबाजी करते थे, लेकिन जो नज़ारा मुख्यमंत्री निवास का आज हमने देखा था वो नज़ारा राजभवन का तो नहीं है। आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा है, नेता और जो समर्थक है कांग्रेस के, विधायक, मंत्री, ऐसे कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। अमूमन जब मुख्यमंत्री यहां आते हैं तो ऐसा होता भी नहीं है कि यहां पर लोग पहुंचे राजभवन में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब मुख्यमंत्री निवास में ही संबोधित करके सबको समझा दिया था, सबको बता दिया था कि हम ये कदम उठाने वाले हैं, तो सब वहां इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग होटल पहुंच गए हैं, विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है। ये पूरी रणनीति पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस पूरी रणनीति पर अब मुख्यमंत्री कमलनाथ जब विधानसभा के, जब राजभवन से बाहर निकलेंगे और क्या बात हुई, क्या उनका कदम था, उसके बाद ही तय होगा। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि अंदर जाने के बाद मुख्यमंत्री के ये पूरा इलाका जो है यहां फिर मीडिया इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले कहा है कि वो लौटेंगे तो बात करेंगे। और इस गेट में अब इंतजार हो रहा है कमलनाथ का, वो बाहर निकलेंगे, मीडिया से बात करेंगे, बात करने के बाद वो क्या बताते हैं इस पर ही सबकी निगाहें हैं, सबकी निगाहें टिकी हैं। जी ठीक है, बने रहिए ज्ञानेंद्र आप हमारे साथ। विकास भदौरिया का मैं एक बार फिर रुख कर लेती हूँ। विकास भदौरिया, मुख्यमंत्री चेहरे पर हम लगातार सवाल पूछ भी रहे हैं आपसे और आपने साफ किया है कि नरोत्तम मिश्रा तो नहीं होंगे, माफ कीजिए आपने आपने क्या नाम लिया था, मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगी। नरोत्तम मिश्रा, दोनों ही नरोत्तम मिश्रा जी, उनका आपने नाम लिया था कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार ये मांग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद वो चाहते हैं। ऐसे में क्या ये नहीं आप उम्मीद देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश भेजा जाए, क्योंकि शिवराज चौहान कहीं ना कहीं आलाकमान की पहली पसंद नहीं है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई पद दिया जाए मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन सूत्र हमें बताते हैं कि राज्यसभा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाए। 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, मुझे ज्ञानेंद्र का एक बार फिर रुख करना है। ज्ञानेंद्र, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं? ये शोभना, जो कुछ देर पहले आपका सवाल था कि क्या मुख्यमंत्री अकेले पहुंचे हैं, तो जब मुझे कुछ गाड़ियां दिखी तो मैंने सोचा आपको बता दूं, ये जो है विधायक और मंत्रियों की गाड़ी है,
तो इन काफिलों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ का हो सकता है वो साथ देने के लिए पहुंचे हों, इसलिए अभी एक मंत्री यहां आगे गए हैं और उनकी गाड़ी रुकी है राजभवन में, तो कुछ लोग जरूर उनके साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कैसी क्या प्लानिंग आगे की, उसकी बात जो है मुख्यमंत्री खुद आकर यहाँ बताएंगे। जी शोभना जी, विकास भदौरिया, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी, मैंने आपको रोका था, क्या आप इसकी गुंजाइश देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को भेजा जाए मध्य प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई पद दिया जाए, ये हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं इस समय? देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा, और नरोत्तम मिश्रा रेस में बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो केंद्रीय नेतृत्व में कई बड़े नेताओं की पसंद भी हैं, लेकिन शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था पिछला, और शिवराज सिंह चौहान अभी विधायक भी हैं, तो ऐसी सूरत में शिवराज को दरकिनार करके नरोत्तम मिश्रा को अगर पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। हमारे जो सूत्र हैं बीजेपी में वो इस तरह के किसी भी उलटफेर की संभावना से इनकार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम बैठकें हुई हैं उसमें स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो इस पूरे ऑपरेशन की कमान थी वो धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में थी, और उसके अलावा दो लोग जो नीचे इस पर काम कर रहे थे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान थे, फिर इनके नीचे काम करने के लिए नरोत्तम मिश्रा थे, अरविंद भदौरिया थे, भूपेंद्र सिंह थे, ये तीनों सीनियर MLA हैं, और इसमें से नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह भी शामिल थे, और अभी जो अध्यक्ष VD शर्मा, ये पूरे इस ऑपरेशन की कमान संभाले हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में हैं, अगर मुरैना से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, अगर शिवराज सिंह को हटा के अगर किसी को मुख्यमंत्री बना के भेजा जाता है तो ऐसी सूरत में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे ऊपर होगा, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र हैं वो इस ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 99.99% शिवराज सिंह चौहान ही विधायक दल के नेता शाम को चुने जाएंगे और वे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अगर ये 0.1% यानी कि 0.1% जो बचा हुआ है उसमें इतना बड़ा उलटफेर हो जाता है तो वाकई में आप ये समझ लीजिए कि फिर ज्ञानेंद्र का मैं रुक कर लेती हूँ। ज्ञानेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को और कलंकित होने से कैसे बचाएं, जो पूरे प्रदेश का देश भर में लोकतांत्रिक चेहरा बना जिसमें महिलाओं का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 30-30, 40-40 करोड़ रुपया विधायकों को खरीद फरोख्त का इस्तेमाल हुआ, जिसमें लॉयल्टी के नाम पर पीठ में छुरा घोपने का काम हुआ, और जिसमें सत्ता लोलुपता के लिए, चापलूसी के लिए, सत्ता के हवस के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवराज ने सारी हदें लान दी। ऐसा एक करप्ट चेहरा, ऐसा एक भ्रष्ट चेहरा मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का बनाया, मैं मानता हूं कि ये भ्रष्ट चेहरे के खिलाफ मध्य प्रदेश के सम्मान के खातिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि मेरे प्रदेश का चेहरा और काला ना हो, मेरे प्रदेश का चेहरा, मेरे प्रदेश का मान सम्मान और काला ना हो, इसके लिए उन्होंने राज्यपाल से अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, और पूरी पार्टी, पूरे विधायक, पूरे मंत्रिमंडल हर परिस्थिति में उनके साथ है। मैं मानता हूं कि एक ऐसा उदाहरण सिर्फ कमलनाथ दे सकते थे, पेश कर सकते थे। एक तरफ है सत्ता की लोलुपता और दूसरी तरफ है सत्ता के मोह का त्याग, ये दो अलग अलग चरित्र सामने आए हैं। कमलनाथ है सत्ता के मोह के खिलाफ। शोभना, ये हैं जीतू पटवारी, मंत्री जो हैं कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, और अभी वो कह रहे हैं कि कमलनाथ ने उदाहरण पेश किया है, तो ये उदाहरण पेश करने की जरूरत ना पड़ती अगर ये तैयारी पहले कर लिए होते, अगर ये समझ गए होते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे नाराज हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाना बेहद जरूरी है। अब ये जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 35-40 करोड़ रुपए दिया गया और फिर उसके बाद बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विधायकों को खरीदा गया, तो ये तमाम बातें इसलिए कहनी पड़ रही है कि जो अंदर खाने में इनकी नाराजगी थी उसकी वजह से भले ही कमलनाथ ये कहें कि महाराजा और 22 लोगों ने उन्हें दगा दिया, लेकिन ये दगा देने के लिए वो मजबूर क्यों हुए, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। जी शोभना,
जी बने रहिए ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ। कमलनाथ इस समय अंदर हैं राज्यपाल के साथ, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे फिर मैं आपका रुख करूंगी। विकास भदौरिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात कर रहे थे, माफ कीजिए मैंने नरोत्तम मिश्रा कह दिया था उस समय गलती से। नरेंद्र सिंह, हाँ, नरोत्तम मिश्रा भी रेस में, वो भी रेस में सीनियर मंत्री है, केंद्रीय नेतृत्व में कई नेता उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह के नेतृत्व परिवर्तन के बड़े बदलाव के संकेत वहां नहीं दिखाई दे रहे। और मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब केंद्रीय यूनिट चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी उनकी जो विधानसभा सीट है वहां से इस्तीफा दें और लोकसभा चुनाव लड़ें विदिशा से, लेकिन तब भी शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो राज्य में ही अपनी पार्टी की देखरेख करना चाहते हैं और राज्य का ही नेतृत्व करना चाहते हैं। साथ ही साथ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो उस समय भी इन शर्तों के साथ ही आए कि शिवराज ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे, उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। तो जो वर्तमान समीकरण दिख रहे हैं उसमें कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अगर ये बदलाव के संकेत मिलेंगे तो जरूर हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि शिवराज सिंह चौहान ही शाम को विधायक दल के नेता चुने जाएंगे या जब भी विधायक दल की बैठक होगी, संभवतः हमारे सूत्र बता रहे हैं आज शाम को ही होगी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।